गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन वीडियो सेशन क्लासेज। टुडे आई डिस्कस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 5। दिस चैप्टर रिलेटेड दिस टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट। दिस इंट्रोडक्शन पार्ट मेनली इन्वॉल्व हाउ मेनी इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर। So I discuss every important point which related in this particular chapter. My dear student, first of all, what is the software? My dear student, software is a set of program and related data are used to give instruction to the hardware. This is the totally I related with the diagram basis, and after some time I provided this note. Software software is a set of program. Software is a set of program that gives instruction to the hardware. Software is a set of program that related data that are using to give instruction to the hardware. Give instruction to the hardware. This is the software. In other word, software directs, guide the operation first, second. Software directs operation. Which type of operation? So these operation are the IPO cycle. You already study. This operation is related to input, output and process. Software is a set of program that related data to give instruction to the hardware. Second, software directs operation. This operation is related to input, output and the process of the computer system. You control, touch the software as you can do with hardware. The game you play on the computer, the music and the video, that you listen to and see on the computer, the documents on which you want, and most important, the operating system environment in which you work on your computer system made of the software component. This is the introduction part of the software. My dear student, types of software. There are two types of software. First, system application, or second, application software. First, system application and
एंड सेकेंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड द थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दिस सिस्टम एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू थ्री पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड पार्ट लैंग्वेज प्रोसेसर, सेकेंड पार्ट लैंग्वेज एंड द थर्ड पार्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट, देयर आर टू पार्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पार्ट जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टू टाइप, फर्स्ट पार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड पार्ट अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। आई हैव नॉट डिस्कस कि व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिकॉज आई हैव टू टोटली टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिकॉज आई एम नॉट डिस्कस इन डीपली, बट दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन। द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एनी देयर आर थ्री पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड द थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। विदाउट विच यू कनेक्ट वर्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। आई अगेन रिपीट इन दिस सेंटेंस कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। विदाउट व्हेन यू कैनॉट वर्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज दैट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यू आर एबल टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड गेट यू वर्क डन
on the computer because of the computer system. A computer cannot run without an operating system software. It serves as an interface between the user and the hardware. So this operating system software, the term interface between user interface and the hardware, this is the operating system software. My dear student, second part, what is the function of operating system software? I totally discuss operating system software. Today I totally discuss operating system software. My dear student, operating system software, I again repeat, operating system software, the most important software, without it you cannot work on the computer system. What is the function of operating system software? There are the so many functions of the operating system software, but today I discuss two and the three main functions. The first function, the operating system software, it provides an environment in which hardware components are used in an efficient manner. It coordinates the working of various hardware are attached to the computer system. This is the first function. I again repeat in this function, ki it provide an environment which hardware component are used in efficient manner. It coordinate the working of various hardware are attached to the computer system. This operating system is totally related to the hardware. The second point, it lets you create and manage files and folder for a strong information in a computer efficiently. This is the function of the operating system software. I again repeat in the particular sentence, if lets you create and manage to files and folders for a strong information in a computer efficiently. This is the operating system software. The second, language processor. What is the language processor? Every student know that the C, C++, C++, etc. So this language, this software are created by writing program in a computer language. This software is a writing program in a computer language. There are the many computer language such as C, C++, etc. Thank you so much.